साल से नहीं किए थे, लेकिन अभी बाजा बजा के पर्व किए हैं। चैती छठ बेसिकली चैत तो हमारे जो महीना होता है उसमें पड़ता है, और छठ एक बहुत पावन पर्व है बिहार का, जो इससे पावन पर्व कोई माना नहीं जाता। जोर से बोलिए, छठी मैया की जय। कष्ट ज़्यादा है इसलिए कार्तिक वाला ज़्यादा करते हैं। ये भी तो हाँ, अब धीरे धीरे यू बढ़ल जा रहा है। इस वक्त हम लोग पटना के बहरवा घाट में मौजूद हैं और एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये चैती छठ का मौका है और किस प्रकार से बिहार में जिस तरीके से दो समय में छठ की जो मान्यताएं हैं, एक तो हो गया कि नवंबर के दिसंबर के महीने में जिस प्रकार से मनाया जाता है कार्तिक छठ, और दूसरा एक चैती छठ हो गया, तो इसको लेकर के श्रद्धालुओं के अंदर में जिस प्रकार से इस छठ का भी मान्यता हो गया है लगातार, पिछले 3-4 साल की तुलना करें तो इस साल काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ है, क्योंकि 3-4 साल पहले में इस छठ को उतने श्रद्धालु नहीं मनाते दिखे रहे थे। जो कार्तिक का छठ होता था उस छठ को भी ज़्यादातर लोग मनाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में चैती छठ की मान्यताएं जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस व्रत में उन्हें छठी मैया से उन लोगों ने क्या मांगा है, साथ ही किसके लिए ये व्रत कर रही हैं। मेरे पीछे में एक और घाट हम आपको दिखा देते हैं, ये लॉ कॉलेज घाट है, वहाँ पे भी हम चलेंगे, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा पूजा का समय है। आपने व्रत किया है? नहीं, हम लोग सहले हैं, पूजा दूध धारने हैं। भगवान मनोकामना पूरा करेगा, जरूर करेंगे इनका व्रत हम। भगवान से क्या मांगा है आपने? भगवान से मांगे बेटा के, बेटी का जॉब हो जाए। क्या चीज़ की पढ़ाई करती है बेटी? बेटी इंजीनियरिंग की कर रही है। और लोगों के लिए क्या मांगा है बेटी? सब लोग सबके सुरक्षित रहे, हर साल इसी तरह मिलते जुलते रहे। हर साल कार्तिक वाला करते हैं, ये वाला भी करेंगे, भगवान मनोकामना पूरा करेंगे। तो बढ़ा हुआ है इस हाँ। का भी पहले बहुत कम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, मनोकामना पूर्ण हो रहा सबके, तो कर रही है मेरा भी, हम लोग की मनोकामना पूर्ण होता है। हम लोग से गुजरे हैं आप? मैं अभी 11th में हूँ। और छठ व्रत करते समय कौन कौन से प्रोसेस से गुजरे हैं? दौड़ा लाना, सूप लाना, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करना, पहले खरना का चूल्हा लाना, लकड़ी वकड़ी सामान जुड़ाना, उसके बाद फिर गेहूं वेहूँ जाके पिसवाना सुबह सुबह मिल में। मम्मी आपके लिए आराधना कर रही है, आप मम्मी के लिए क्या आराधना किए हैं? मम्मी के लिए आराधना किए कि मम्मी का अच्छा लाइफ रहे, अच्छा उनका आयु रहे और स्वस्थ रहे हमेशा। मम्मी आपके इंजीनियरिंग के सफलता के लिए मान्यता मांग रही है, क्या कहेंगी आप, क्या मांग रही हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक जेई बन के मतलब अपने देश का भी नाम रोशन करूँ और कुछ गवर्नमेंट के लिए भी करूँ, ताकि हम लोग का देश तरक्की पे जाए, यही चाहती हूँ, और हमारे मम्मी पापा स्वस्थ रहे और कोरोना मुक्त हो जाए सबसे पहले। कितना महत्वपूर्ण है बिहारी के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बढ़ के उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं पटना का लॉ कॉलेज घाट है और कितनी भीड़ है लोगों के यहाँ पे, और छठ व्रती मौजूद हैं इस घाट पे। शाम के जो अर्घ का समय होता है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, हम लोग थोड़ा लेट कर गए, लेकिन अभी भी हमें इसका तस्वीर जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिला प्रशासन पटना है, NDRF की टीम है और ये देखिए दौरा सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा मनमोहक दृश्य है। ये देखिए छोटा सा मोबाइल है लेकिन इसमें भी तस्वीरें जो हैं ये कैद कर रही हैं। ऐसा ये पर्व है ही कि इसे अपने मेमोरीज में ये क्या श्रद्धा आ रही है, क्या कहेंगे आप, आपने व्रत किया है क्या? हाँ, व्रत किया। क्या कहेंगे आप चैती छठ के मान्यता के बारे में? अच्छे हैं, सब चीज मानते हैं तो पूरा हो जाता है। कार्तिक का छठ लोग ज्यादा मनाते हैं, इसको भी हम मनाना शुरू नहीं में ज्यादा कष्ट ज्यादा है इसलिए कार्तिक वाला ज्यादा करते हैं। ये भी तो हाँ, अब धीरे धीरे यू बढ़ल जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ल जा रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? अब श्रद्धा से बढ़ रहा है, चाहे कोई चीज मानते हैं तब छठी मैया की कृपा है। कहाँ से आई हैं? हम यहाँ है मसल्लापुर हाट लोहरवा गली से। आपका पूरा परिवार है ये? हाँ, पूरा परिवार। एक बार बोल दीजिए जय छठी मैया। जोर से बोलिए छठी मैया की जय। जो कार्तिक माह का छठ होता है उस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, इसमें चैती वाले पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अब देखा जा रहा है कि अब चैती छठी लोग बहुत
बड़े रूप में कर रहे हैं, भव्य रूप से चैती छठ पर्व किया जा रहा है। और चैती पर्व जो चैती छठ है ये अप्रैल के महीने में होता है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है। आज आप देख रहे हैं कि आज अराउंड 38 या 40 डिग्री टेम्परेचर था। तो इस भीषण गर्मी में हमारी माताएं जो पर्व करती हैं वो निर्जला 3 दिन का ये पर्व है, वो निर्जला 3 दिन रहती है। तो ये बहुत कष्टदायक पर्व है, लेकिन अब लोग चैती छठ जोर शोर से कर रहे हैं, जिसका आप यहाँ पे आप उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। आप कैमरा घुमाए देखें कितना भीड़ है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब चैती छठ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से किया जा रहा है। यही महेंद्रू से चैती छठ के मान्यता के बारे में कुछ बताइए। चैती छठ बेसिकली चैत तो हमारे जो महीना होता है उसमें पड़ता है, और छठ एक बहुत पावन पर्व है बिहार का, जो इससे पावन पर्व कोई माना नहीं जाता है हमारे लिए। छठी मैया से क्या प्रार्थना की है, क्या मांगा है? अभी फ़िलहाल तो कोविड का जो हाल है, सोचा यही आ रहा है कि बस सब चीज़ अच्छा हो, जो भी हो रहा है बस सब चीज़ देश में अच्छा हो जाए। मेरे घर से नहीं, मेरे पड़ोस से कोई व्रत किया था उन्होंने, हम उनके लिए आए थे। हाँ जी, हम तो यहीं महेंद्रू से आए हैं। हाँ, चैती छठ का भी मान्यता लोगों के? हाँ बहुत है, 2 साल से नहीं किए थे, लेकिन अबरी बाजा बजा के छठ पर्व किए हैं। लॉकडाउन लगल था तो 2 साल मेरा छूट गया। बेटा पुतोहू सब के लिए क्या मांगे हैं? बेटा पुतोहू सब, पुतोहू तो नहीं है, बेटा के लिए ही कर रहे हैं हम। बेटा का मनता था उसी का मनता उतारे हैं, अभी आगे भी करना है। हाँ, कार्तिक छठ ज़्यादा लोग करते हैं? हाँ, कार्तिक ज़्यादा करते हैं, ई वाला कम करते हैं। अब तो बढ़ गया है, पहले हम जब शुरू किए थे ना उस समय बहुत कम था। हम 8 साल से 10 साल से कर रहे हैं। बढ़ने का कारण? अब जिसको मनता माना पूरा हो गया तो अगला फिर करती है। चलिए।